हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित व्लॉग। आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो प्लीज इसे बगैर समय गवाते हुए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ आलू। इस आलू को हमने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन जो हम गरम करने के लिए रखेंगे, और इसमें हम 2 स्पून कोई भी ऑयल यूज करेंगे। आप जो भी ऑयल यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। जब ये हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तब हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा। हमारा गरम हो चुका है अच्छे से, इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे। ये 1 बाउल और 1/2 बाउल हम और डालेंगे इसमें। ये बॉयल पानी है हमारा, इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। हल्का सा जब ये गुनगुना हमारा, थोड़ी देर ढक देंगे और एक बॉयल आने तक इस पानी को ऐसे ही रोकेंगे। अब इस पानी का हल्का हल्का बॉयल आ गया है, देखिए एक बॉयल आ गया। अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में हमें सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट लिया है, उसको डालेंगे। ये शिमला मिर्च हमारी बारीक कटी हुई, ये भी एक शिमला मिर्च है मीडियम साइज की। थोड़ी सी मटर, सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं, गाजर, पत्ता गोभी, जो आप चाहें। और ये हमने 2 मीडियम साइज के आलू को उबाल के फिर इसको कद्दूकस करके डाल दिया है, ये भी हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे। और थोड़ी सी धनिया, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसे एक बार चला के थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे, एक उबाल आने तक। देखिए हमारा उबाल आ गया है सब्जियों में। ये सब्जियां भी हमारी हाफ फ्राई ऐसी हो गई हैं सारी सब्जियां। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी जो हमने पहले से ही छान रखी हुई है। सूजी आप बारीक या मोटी जैसी आप चाहें वैसी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम चावल का आटा 1/4 कटोरी चावल का आटा डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि सूजी पानी सोखती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसको हमें अच्छे से ऐसे ही मिक्स करना है। ये अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें और पानी डालिए, फिलहाल तो अभी ये सही लग रहा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम पहले भी सब्जियों में डाल चुके हैं, इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ी सी धनिया पाउडर, और अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे सारा मसाला। जब ये अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा तब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के फिर से पकाएंगे। ये हमारा अच्छे से सब मिक्स हो गया मसाला। इसको चलाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें ब्रेड नहीं देना है, क्योंकि अगर ब्रेड देंगे तो ये जो मैदा ये जो रवा है और चावल का आटा, फिर ये इसके थोड़े से गुत्थी जैसे पड़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी अच्छे से सब मिक्स हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका देंगे। तो गाइस ये देखिए हमारा अब मोस्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच पहले थोड़ा सा डालेंगे दही, फिर थोड़ा सा और। अब हम इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा आइटम ऐसा नहीं है जो नुकसान करे आपको, ना ज़्यादा ऑयल ना कुछ। तो गैस हमने ये दही भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। और हमने एक बर्तन में इस थाली को हमने पूरा अच्छे से ऑयल ग्रेस कर लिया है। अब हम इसमें अपना हमने जो बनाया था ये उसमें डालेंगे। ये हमने सब इसमें डाल लिया। इसको स्पैचुला की सहायता से हम अच्छे से पूरे में बराबर बराबर करके फैला लेंगे। कॉर्नर्स भी हमें बिल्कुल फाइन करने हैं। कितना फाइन बिल्कुल मैंने डाल दिया है इसमें। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में डालेंगे। तो हम ऐसे पीसेस में काटेंगे इसे काट के। इसी तरह हम अपने सारे पीसेस निकाल देंगे। पीसेस निकाल लिए हुए हैं और यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें इन्हीं पीसेस को डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे।
भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हमें ऐसे निकाल लेने हैं। मीडियम आंच में ये पकानी है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शैलो फ्राई करके खाना चाहेंगे या डीप फ्राई करके खाना चाहेंगे। और ये तो आप ऐसे भी, जब अच्छे से ये पक चुका है तो आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हैं। जब हम इसे फ्रिज में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से, जब फ्रिज में लगाने के बाद इसे बहुत अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे, जल्दबाजी में इसे नहीं निकालेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी इसके पीस करके निकालिएगा, तभी ये बहुत अच्छे से ऐसे फ्राई होगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? देखिए, देखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है, क्रिस्पनेस भी बहुत ज्यादा है, कितना क्रिस्पी साउंड कर रहा है। आप इसे लाल चटनी, हरी चटनी और चाय के साथ जैसे भी टेस्ट करना चाहें आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए प्लीज गाइस। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, आप अपना सपोर्ट मुझे दीजिए जिससे मैं आपके सामने और नई नई रेसिपी और डिलीशियस रेसिपी, हेल्थी रेसिपी लेके आया करूं। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। Focus, smile, and my sweat ass. Come as in.